अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। स्वागत है आप सभी का हुंकार 24/7 न्यूज में और मैं हूं आपके साथ हिमांशु उपाध्याय। एक्टर प्रभास की महत्वाकांक्षी फिल्म राधे श्याम का फर्स्ट लुक रिलीज कर दिया गया है। फिल्म में उनका पूजा हेगड़े संग रोमांटिक अंदाज सभी को पसंद आ रहा है। पोस्टर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा है। राधे श्याम को 4 भाषाओं में रिलीज किया जाएगा, इनमें हिंदी भी शामिल है। ये मूवी सिनेमाघरों में साल 2021 में आएगी। लेकिन इस बीच असम पुलिस ने प्रभास के इस पोस्ट को कोरोना वायरस ट्विस्ट दे दिया है। असम पुलिस ने उस पोस्ट को प्रभास की फिल्म को प्रमोट करने के लिए नहीं, लोगों तक जरूरी संदेश पहुंचाने के लिए शेयर किया है। पुलिस ने राधे श्याम पोस्टर को फोटोशॉप वर्जन सोशल मीडिया पर शेयर किया है। उस पोस्टर में दोनों प्रभास और पूजा ने मास्क पहन रखा है। दोनों को सोशल डिस्टेंसिंग करता दिखाया जा रहा है। रोमांटिक मूवी को इस अंदाज में परोसना कहीं ना कहीं लोगों को हैरान भी करता है और कहीं ना कहीं हंसने पर मजबूर भी करता है। खुद पुलिस लिखती है कि अपने करीबियों से कहिए कि जब भी वे बाहर जाएं तो मास्क पहने। हमने प्रभास को फोन किया लेकिन फोन नहीं मिला। अब इस फोटोशॉप तस्वीर के जरिए आप सभी को ये संदेश भेज रहे हैं। आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब देश की पुलिस ने बॉलीवुड फिल्मों का इस्तेमाल कर लोगों के बीच जागरूकता अभियान चलाया हो। पुलिस लगातार किसी न किसी फिल्म के जरिए लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ दे रही है। ऐसे में अब प्रभास की फिल्म के साथ भी ऐसा ही कुछ कर दिया है। वैसे फैंस प्रभास की इस नई फिल्म के लिए काफी एक्साइटेड हैं। बता दें कि कुछ दिन पहले ही प्रभास की फिल्म बाहुबली के 5 साल पूरे हुए थे। उस खुशी में फिल्म के कलाकार से लेकर फैंस तक सभी ने उस बेहतरीन फिल्म को याद किया था। और अब देखना यह होगा कि फैंस को प्रभास की यह फिल्म कितनी पसंद आती है। बॉलीवुड की तमाम जानकारी के लिए बने रहिए हुंकार 24/7 न्यूज के साथ। धन्यवाद। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।